नमस्कार, मैं हूं सरफराज खान। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त बिजनौर कोतवाली शहर से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल हो गए। इसी के मद्देनज़र जो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता हैं बिजनौर के, और साथ ही आज नुमाइश ग्राउंड में एक जनसभा आयोजित की जा रही है इसी उपलक्ष्य में, इसी को लेकर के यूपी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र चौधरी सहित यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद सहित तमाम सांसद और तमाम कई कैबिनेट मंत्री बिजनौर में पधार रहे हैं। और इसी को लेकर के प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और साथ ही बात करें तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से तैयारियाँ कर ली हैं। आज दोपहर 3 बजे के आसपास प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र चौधरी और तमाम नेता जो है आज शामिल होंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी खबर बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके से आ रही खबर है कि यूपी के बिजनौर में पिछले 4 से 5 महीनों में लगातार गुलदार की बढ़ती आबादी की वजह से गुलदार जो है लगातार किसानों से लेकर मासूम बच्चों पर लगातार हमले कर रहा है, उनकी जानें ले रहा है। अगर बात करें पिछले 4-5 महीनों की तो अब तक 9 के आसपास लोगों की गुलदार के हमले से जान जा चुकी है, और साथ ही 3 दर्जन के आसपास लोग गंभीर रूप से गुलदार के हमले से घायल भी हुए थे। वहीं अभी हाल ही में एक महिला और एक 11 साल के मासूम बच्चे की मौत के बाद गुलदार के हमले से, इसको लेकर के जो ग्रामीण हैं अफजलगढ़ मछमार के इलाके के, वो खासे नाराज़ हैं। और इसी बात को लेकर के जो ग्रामीण हैं उनका साफ तौर से कहना है जो हमलावर गुलदार है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि उन्हें कहीं हद तक निजात मिल जाए। इसी बात को लेकर के जो वन विभाग के अफसर हैं वो जंगलों में खाक चान रहे हैं गुलदार को पकड़ने के लिए, लेकिन 3 दिन बीत चुके हैं अभी तक गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद नहीं हुआ है। इसी से नाराज़ ग्रामीण खासे परेशान हैं। उनकी कई बार वन विभाग के अफसरों से हॉट टॉक भी हुई है, नाराज़गी भी उन्होंने जताई है। अगर बात करें वन विभाग के अफसरों की तो वन विभाग के अफसरों को अभी तक निजात नहीं मिल पा रही है। उसी खबर बिजनौर के मंडावर इलाके से आ रही खबर ये है कि पहाड़ों व मैदानी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गंगा तेज़ी से कटान कर रही है। गंगा किनारे बसे 1 दर्जन के आसपास इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन के अफसरों ने एक लेखपाल की गंगा किनारे भी ड्यूटी लगा दी है, क्योंकि गंगा लगातार कटान कर रही है और पास के गांव को करीब आ गई है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं, और साथ ही अगर बात करें तो ग्रामीण भी खासे परेशान हैं और नाराज़ हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि हर साल बरसात आती है और बरसात के महीनों में लगातार जो ग्रामीण हैं गंगा किनारे बसे लोग, वो बाढ़ का खतरा उनको पहले से ही आगाज़ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद तमाम प्रशासन की कोशिश के बावजूद अभी भी उनकी जो समस्या है बाढ़ की उससे नहीं निपट पाते प्रशासन के अफसर। इसको लेकर के जो ग्रामीण हैं वो खासे परेशान हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।